दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत दो मुकाबले खेल चुका है। पहले में जहां भारत ने पाकिस्तान को यहां पटकनी दी थी, वहीं दूसरे में यहां पे नीदरलैंड को हराया। वहीं पे तीसरा मैच यहां पे भारत अपना साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहां खेलने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत यहां पे अपना जो है मैच खेलने वाली है 30 अक्टूबर को पर्थ के ग्राउंड में, जहां पर्थ के ग्राउंड में आपको यहां पे 4:30 बजे से ये मैच देखने को मिलेगा। और यहां के पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो पिच रिपोर्ट में यहां के जो बाउंस के बॉलर हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा यहां मदद मिलेगी। बाउंस के बॉलर्स के लिए यहां पे पिच रिपोर्ट के लिए भारत को यहां पे तेज गेंदबाज को खिलाना पड़ेगा अपने प्लेइंग 11 में। वहीं बात की जाए इंडिया की जो खतरनाक प्लेइंग 11 रोहित शर्मा ने सेलेक्ट किया दक्षिण अफ्रीका के लिए, उनमें बात की जाए तो यहां पे कोई खास बदलाव नहीं है। और यहां पे शुरुआती बैट्समैन की बात करें तो नीदरलैंड के खिलाफ जो केएल राहुल ने नहीं चल पाए थे, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी केएल राहुल नहीं चले, लेकिन फिर भी यहां पे केएल राहुल का ओपनिंग करवाएंगे यहां पे रोहित शर्मा। और यहां पे पहले नंबर और दूसरे नंबर पे आपको केएल राहुल और रोहित शर्मा ही ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बाद बात की जाए तो तीसरे नंबर के बल्लेबाज यहां आपको विराट कोहली देखने को मिलने वाले हैं। विराट कोहली हालांकि बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे, विराट कोहली को तो यहां पे रखा ही जाएगा। उसके बाद बात की जाए तो उसके बाद आपको सूर्य कुमार यादव जो कि रहेंगे ही टीम में, क्योंकि मिस्टर 360 का रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात की जाए तो यहां पे दिनेश कार्तिक आपको 5वें नंबर के बल्लेबाज का यहां रोल निभाते हुए मिलेंगे। वहीं पर रविचंद्र अश्विन ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने आप को साबित किया था, तो अश्विन का भी यहां पोजीशन तो नहीं ही चेंज होगा। और उनके बाद यहां पे आपको हार्दिक पांड्या एज ए ऑलराउंडर यहां पे मिलेंगे। वहीं पे बॉलर्स का देखा जाए तो यहां पे पिच में बाउंस का मदद काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अर्थदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और समी को यहां पे लिया जाएगा। तो पिछले मैच की तरह इस मैच में भी यहां पे रोहित शर्मा की खूंखार यहां पे प्लेइंग 11 होगी। खतरनाक यहां पे प्लेयर्स हैं उनके, और यहीं पे टीम इंडिया की ये प्लेइंग 11 होगी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच को जीत पाएगी, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहते हो, तो अगले मैं चलता हूँ। धन्यवाद।